गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बच्चों देखिए, अभी तक मैंने लेसन 4 आपको अतिथिदेव भाव पढ़ाया, उसके बाद आज आपको लेसन 5 पढ़ाएंगे जागरण गीत। जागरण का अर्थ क्या होता है? जागना। और गीत का मैस होता है जागना, गाना। तो हम गाने के माध्यम से आपको लगाने आ रहे हैं। जो लोग आलसी हैं, करवटी नहीं हैं, वादा करते हैं, आज का कल करते हैं, उन्हीं को चैतन्य करने आए हैं। तो जागरण गीत के माध्यम से आप देखिए, अब नगारी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। ये देखिए, अब गहरी नींद में लेखक कहता है, प्रस्तुत पाठ के लेखक है सोहन लाल जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कहा है कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे, मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। अस्ताचल का संकेत सूचक है सूर्य का अस्त होना, और उदयाचल का अस्त है सूर्य का निकलने का, और अस्ताचल है सूर्य के डूबने का, यानी रात। अब नगहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल कह रहा है कि देखो, तुम अब जब गहरी नींद में लोग कब सोते हैं, रात्रि में, अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, मैं तुम्हें रात को सोने नहीं दूंगा। फिर है उदयाचल, उदयाचल का संग सूचक है कि सूरज के निकलने का, और सूरज निकलने आ रहा है, मैं तुम्हें गीता का जगाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में नियत कर मरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बताने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना करते थे कि मैं आज ये करूंगा, आज अपना कार्य पूरा करूंगा, लेकिन जो आलसी होते हैं, जो कर्मठी नहीं होते हैं, वो अपने काम से विचलित होते हैं, केवल कल्पना करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। साधना में सिहर कर मोड़ते रहे तुम, साधना में तुम क्या करते रहे, साधना करते थे, मन में भावना जागृत होती थी, लेकिन उस वो अपने कार्य से, अपने कर्मठ से मुखर जाती थी। अब तुम्हें आकाश में न उड़ने दूंगा, अब तुम जो लंबी लंबी बातें करते थे आकाश में उड़ने की, वो अब तुम्हें मैं लंबी लंबी बातों से तुम्हारे मैं नहीं तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। जो लंबी लंबी बातें करके आसमान को छूते थे, अब तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ, और मैं तुम्हें आज धरती पर आपको जागरण गीत के माध्यम से कर्मठी बनने का संकेत कर रहा हूँ। सुख नहीं या नींद में सपने सजना, दुख नहीं या शीश पर गुरुहार होना, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। कल कह रहा है सुख नहीं, नींद में, नींद भर के गहरी नींद में जब लोग रहते हैं तो सपने देखते हैं, और सपने में अपने कार्य को करने की कल्पना करते हैं। दुख नहीं या शीश पर गुरु भार होने का, और इससे दुख नहीं है, इससे गुरु का भार होने का, माता पिता के का कहना मानने का, ये सब से मतलब दुख नहीं है। दुख नहीं या शीश पर गुरु भार होने का, गुरु के कार्यों को करने के लिए, जो तुम्हारे सर पर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो हम तुम्हें क्लास वर्क होमवर्क दे रहे हैं, इससे तुम विचलित ना हो, इसको पूरा करो, इससे तुम्हारा पथ क्या होगा, प्रज्वलित होगा, आगे बढ़ोगे। सुख नहीं या नींद से सपने सजोने का, इसमें आपको नींद में सपने देखने से आपको सुख नहीं होगा। जब आप
गुरु के घर को अपने स्विच पर लेकर कर्मठी बनोगे तब आपका जीवन क्या होगा, प्रफुल्लित और आगे बढ़ेगा। सूर्य तुम जिसको समझते थे अभी तक, सूर्य में होता है कांटा और सूर्य जो है ये विपत्ति संकट का सूचक है। फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ, तुम जिसको कांटा और सूर्य समझते थे वो अभी तक तुम जिसको कांटे के समान छोड़ देते थे, विपत्तियों से भागते थे, वो उसको मैं क्या बनाने आ रहा हूँ, फूल। फूल को सभी चाहते हैं, फूल एक सुंदर होता है, फूल का सूचक है आसान और मतलब सुख। फूल का मतलब है सुख और सूर का मतलब है मुसीबत या संकट। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। देखकर मझधार को घबरा न जाना, नौका पर बैठे हो जब लोग नौका बीच धारा में जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कभी नाविक जो होता है वो पतवार लिया रहता है, वो कभी घबराता नहीं, अपने नाव को निरंतर आगे बढ़ाता है। इसी तरह से आपको भी कर्मठी होकर अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। हाथ ले पकड़ा पतवार को घबरा न जाना, जब तुम्हारे हाथ में नौका का पतवार है तो क्यों घबराओ, जब तुम्हारे हाथ में तुम अपने संकल्प को कर्मठी बनो, आलस को त्याग दो, नींद को भगा दो, उससे आप क्यों घबराते हो। जब आप कर्मठी बनेंगे हर कार्य आपका पूरा होगा। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा और मैं तुम्हें हमेशा अपने कार्य को किनारे पर लगाऊंगा, तुम्हें थकने कभी नहीं दूंगा, पर मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ, मैं आपके जीवन नौका को खेकर पार लगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन की कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन की बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बनकर मैं तुमको उठाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नफ्स उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ने न दूंगा। बच्चों आज मैं ये तीन का अर्थ बताई हूँ, तीन का कल बताऊंगी और उसके बाद आपको समझाऊंगी, समझ में नहीं आऊंगा फिर बताऊंगी। आपका आज का ये क्लास वर्क है, उम्र है, जागरण ही।